ये सेकंड ही है, ये थर्ड ही है। बता ये पॉइंट इसमें पुट किया सर्कल की इक्वेशन में, ये इक्वेशन आ गया। दूसरा पॉइंट पुट किया ये इक्वेशन, अब इसको माइनस करें। तीसरी इक्वेशन इसका जो सेंटर है, सेंटर क्या हो गया, माइनस जी माइनस है, माइनस जी प्लस थ्री एफ माइनस वन माइनस टू करो ना, टू माइनस थ्री ये आ रही है बेटे इक्वेशन दैट पास। अब ये तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल लास्ट टाइम यहाँ पे छोड़ दिया था, अभी इनको सॉल्व करना है। तो ये जीएफ में एक इक्वेशन है, ये भी जीएफ में एक इक्वेशन बन सकती है। कैसे, ये सी है, ये सी लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, सेकंड माइनस थर्ड। देखिए यही आएगा, सही है, माइनस टू जी प्लस टू जी नहीं है, यही आ रही है इक्वेशन। तो ठीक है सर, मैं किस बल पे एफ इक्वल टू 11 बटे ना, सब्ट्रैक्ट कर दिया, यही होगा 2g plus 4f is equal to 11। नंबर बोलिए, सेकंड थर्ड फोर्थ, 2 minus 3 का 4 minus 2 सेकंड में से थर्ड माइनस करेंगे, सी कैंसिल, ये 6g, ये 4f, फोर्थ और फिफ्थ को सॉल्व करें। ठीक है सर, 4 ये बेटा इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर दें, हम 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या रहा है, 18 प्लस 4 22 अब इसमें माइनस 5 बाय 2 आ रहा है, तो ये 66 माइनस 11 55 इक्वल्स टू माइनस 5 बाय 2 माइनस प्लस आ रहा है। यही है, फिर से बता देते हैं, फर्स्ट ओके होना चाहिए इक्वेशन स्पोज, बच्चे जो चीज हमें नहीं पता उसको स्पोज करेंगे। इसमें तीन चीजें नहीं पता हमें, जी एफ सी, उसके लिए तीन कंडीशन दे दी, 2 3 इसके ऊपर लाई कर रहा है तो एक्स की जगह 2y को 3 पुट कर दिया, -1 1 इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो -1 1 पुट कर दिया। फर्स्ट हमें निकालना है, सेकंड थर्ड लिख दिया हमने, सर्कल का जो सेंटर है माइनस जी माइनस एफ इसके ऊपर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये तीन इक्वेशन होगी, सेकंड थर्ड जी एफ सी रखा और ये फोर्थ। अब ये 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ को सॉल्व करना। ये जी एफ में एक इक्वेशन है, जी एफ में एक इक्वेशन और आएगी तो सॉल्व कर पाएंगे, तो यहाँ से सी इजीली इलिमिनेट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दें, सी और सी कैंसिल हो गया, 4g प्लस 2g 6g 6g माइनस 2f 4f सी माइनस सी सी कैंसिल हो गया था ना, होता फिर ना होता, अगर आप इसमें तो आसानी से कैंसिल हो रहा है ना होता तो जैसे इसको 2 से नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो g कैंसिल हो गया। भाई एक वेरिएबल इलिमिनेट करना हो तो बहुत इजीली कर सकते हैं, तीन इक्वेशन है, जैसे इसमें सी को इलिमिनेट करना आसान था, जी एफ में एक इक्वेशन ऑलरेडी थी, सी को करना पड़ेगा, इमेज टेक्स्ट सोच है वो आसान है क्योंकि बेटा सी हमेशा प्लस सी रहेगा, एक्स और वाई के कोफिशिएंट चेंज हो गए,
प्लस सी तो सी रहेगा तो इसलिए वो आसान था। किसी और को लिमिट करेंगे तब भी आंसर आएगा। तो एक जी एफ में एक इक्वेशन और निकाली, फोर्थ इक्वेशन जी एफ में थी सेंट्रिस्ट, जी एफ में एक इक्वेशन और निकाली, जी पता लग, एफ पता लग गया तो जी पता लग जाएगा, किसी एक में पुट करते हैं। किसी एक में पुट करते हैं आप तो जी की वैल्यू हमारे पास माइनस सेवन बाई टू आ गई, सी की वैल्यू माइनस फोर आ गई। देखो यार ये कितने बता देंगे नंबर लिखे बेटा, सेकंड थर्ड वन टू थ्री फोर फाइव, ये सिक्स्थ नंबर, कुछ पूछना है तो ये सेवंथ नंबर, कुछ पूछना है तो वन से सेवन तक कोई डाउट? सेवन बाई टू आई, ये रहा बेटा माइनस सेवन बाई टू, पूछ लीजिए बेटे डाउट। तो आंसर क्या आ गया बस? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी की वैल्यू यहाँ पुट की जाएगी माइनस सेवन एक्स, एफ की वैल्यू पुट की जाएगी बेटा आप पूछिए, माइनस सी की वैल्यू क्या? फोर या फोर्टीन? माइनस फोर आ रही है। सर्कल का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है बेटा, देखिए इसमें तैयारी कीजिए अच्छे ढंग से। और बोलिए नंबर पहले आप, नहीं तो हम करवाएंगे 12, 13, 14, माइनस फोर आ रही है, पुट करके देखते क्या। थर्ड में पुट कर रहे हैं जी की वैल्यू 14 है सर, पीछे का 14 है, सी की वैल्यू 14 है तो हमने भी स्प्रिंट होगा। हाँ 14 सर, ठीक कह रहे हैं, माइनस 14 है ना। ट्वेल्थ नंबर देखिए फिर, कर लिया तो ठीक है बेटे, ट्वेल्थ कर लिया क्या सबने? नहीं क्या? नहीं क्या? बताते हैं फिर, सी क्या है सर? यस बेटा नंबर बोल रहे हैं, ट्वेल्थ नंबर देखें, रब कर रहे हैं बेटे इसको, बेटे कोई डाउट है नंबर बोलिए, 1 2 3 4 5 6 7 ट्वेल्थ नंबर देख, पूछिए बेटा पहला सर्कल का रेडियस 5, रेडियस 5 है तो क्या चीज है ये? ए बी सी डी एफ जी एफ ए, सेंट्रल फॉर्म यूज कर सकते हैं, पहले मैं ऐसा पूछा था, सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर होता क्या है? सेंटर होता क्या है? एच के, फिर किसकी वैल्यू पता बेटा हमें? 12th क्वेश्चन k की वैल्यू, तो क्या रह गया फाइंड आउट करना? एच, सर्कल ये सेंटर तो एच जीरो, रेडियस 5 और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है 2 3, पूछिए बेटा डाउट। तो कुछ कहा ही नहीं है।
डाउट पूछ लीजिए बेटा आप। बच्चे सेंट्रल फॉर्म में आंसर क्या होता है, इसका आंसर क्या है? जी माइनस x माइनस है स्क्वायर पाई माइनस के इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो ये आंसर क्यों नहीं है? एच के एच की वैल्यू नहीं पता बेटे। जो पहले फाइव क्वेश्चन किए हैं फर्स्ट फाइव, उसमें एच के गिवन होता था, ए दिया होता था, आंसर लिख देते थे। अब भी लिख रहे हैं, ए तो पता ही है फाइव। यस, सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई कोऑर्डिनेट पता है, एच नहीं पता। एच कैसे निकले? डिस्टेंस। एक कंडीशन और दे रखी, डिस्टेंस से सोच लीजिए चाहे आप दोनों का डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस फार्मूले से भी सोचना चाहिए, सोच सकते हैं 2 3 और इसका डिस्टेंस जो है रेडियस 5 के इक्वल है, प्लस माइनस 4 या 2 3 होनी। हां, तो 2 3 इसके ऊपर लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर, तो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी q माइनस x स्क्वायर कर ले रहा है, तो माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। या तो होल स्क्वायर ओपन करें आप, या तो होल स्क्वायर ओपन कर लें आप और या स्क्वायर रूट मेथड जो आसान। तो एच के दो आंसर आ गए हमारे पास, सिक्स और माइनस। सर तो सिक्स और माइनस टू में किस को कंसीडर करेंगे? दोनों आंसर हो सकते हैं, ऐसे दो सर्कल हो सकते हैं जिनका रेडियस फाइव है, तो आंसर क्या होगा? ऐसे दो आंसर हो सकते हैं। होल स्क्वायर ओपन आप कर सकते हैं, ऐसे दो पॉसिबिलिटीज है। यस, कोई डाउट? दोनों ही आंसर आ गए, ऐसे दो सर्कल है जिनका रेडियस 5 है, सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है। यहीं पे छोड़ देना है? नहीं, इसको इसका होल स्क्वायर ओपन करना है। छोड़ना कहाँ पे? जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म पता है ना बेटे, छोड़ना कैसे? इसका आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स की प्लस माइनस वन ऐसे ही। सर दोनों इक्वेशन निकालनी पड़ेगी? दोनों निकालनी पड़ेंगी बेटा, आंसर फर्स्ट ये, आंसर सेकंड ये। इसका भी होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x 36 इधर आती है 11। तो आपको पता लग गया, देखो इसमें हमने सेंट्रल फॉर्म यूज की है, करने को आप इस ढंग से भी कर सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, पर जरूरत क्या है? सर्कल की इक्वेशन ये भी ले सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, वो नहीं ली। 13th देखें, 13th रब कर रहे हैं बेटा इसको, डाउट है तो पूछिए। सबसे पहले हमने ये लेफ्ट किया, ये सब फर्स्ट नंबर में कोई डाउट, सेकंड हमने ये लिख दिया, ये तो हम इसलिए लिख देते हैं डायरेक्ट भाई यहाँ पे आंसर क्यों लिखते हैं, ताकि आपको ये पता लगे भाई ये आंसर में इसमें क्या कमी है, क्या निकालना है। वैसे तो अदरवाइज आंसर था, क्या निकालना वो आप इसलिए लिख देते हैं। थर्ड ये, फोर्थ पूछिए डाउट, डाउट बोले बेटे आप। नेक्स्ट देखिए बेटा, 13
जरा सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है और इंटरसेप्ट ए और बी कट कर रहा है एक्सिस के ऊपर। इंटरसेप्ट ए और बी का क्या मतलब, देखो सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट है वो स्मॉल ए है और वाई एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट है वो स्मॉल बी है। एक्स एक्सिस को कितना कट कर रहा है ए डिस्टेंस पर और वाई एक्सिस को कितना कट कर रहा है बी डिस्टेंस पर। एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना है ए और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना है बी। एक सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, ये ओरिजिन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है एक, बेटा एक लाइन सर्कल को कितने पॉइंट्स पे कट करेगी मैक्सिमम, टू, तीन चार पॉइंट्स पे तो कट नहीं करेगी, तो एक्स एक्सिस इसको दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, हो सकता है एक पॉइंट पे करे, हो सकता है करे ना, लेकिन मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कट करेगी, मैक्सिमम टू पर। तो एक्स एक्सिस को जितना कट किया वो ए था इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस को जितना कट किया, वाई एक्सिस को जितना कट किया वो बी इंटरसेप्ट। तो ये ए ये बी कैपिटल है, कैपिटल बी, तो ए बी हैज टू बी डायमीटर, ए बी को डायमीटर होना पड़ेगा, क्यों एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये नाइन इनको ज्वाइन किया तो ये 90 डिग्री का बनता है। अगर कोई कोण 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है ये सेंटर से पा रही है तो इसको डायमीटर होना पड़ेगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री का ही, सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है तो डायमीटर ही होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो एच के क्या हुआ पता लग गया कैसे, और रेडियस क्या होगा ए बी हाफ, ए बी डायमीटर उसका हाफ होगा, ए बी डायमीटर का क्या होगा डिस्टेंस फार्मूले से तो आंसर क्या है सर्कल की इक्वेशन, तो आंसर क्या आ जाएगा बता दीजिए, x माइनस a बाय 2 का स्क्वायर y माइनस b बाय 2 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर फर्स्ट फिगर में कोई डाउट बेटा, कोई डाउट है तो पूछे आप, सेकंड ये डायमीटर है तो सेंटर रेडियस कैसे निकालना, फिर ही आंसर आता है। वैसे तो ये आंसर लिखना कैसे चाहिए जनरल फॉर्म में, तो स्क्वायर वाली टर्म ये कैपिटल है क्यों स्पोर्ट्स क्या पता लग गया ना, ये क्या है रेडियस, वैसे स्मॉल ए होता है रेडियस के लिए, स्मॉल ए ऑलरेडी क्वेश्चन में था, और बोलिए बेटा ए बी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस मान रूट बाय बाय 2 इसलिए कि डायमीटर ए बी तो रेडियस चाहिए, रूट क्यों किया, रूट डिस्टेंस फार्मूला, ए बी की वैल्यू निकाली ये डिस्टेंस निकाला है, ए बी की वैल्यू निकाली डिस्टेंस निकाला है, ए बी की वैल्यू निकाली, पूछिए बेटा और पूछिए आप सेकंड नंबर पूछ रहे हैं, ये थर्ड नंबर पता लग गया कैसे है, तो आंसर क्या आ गया बेटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो आ गई, x की टर्म निकालेंगे तो माइनस ax, y टर्म निकालेंगे तो माइनस by, कांस्टेंट टर्म a स्क्वायर by 4 प्लस b स्क्वायर by 4, और राइट हैंड साइड में भी तो यही a स्क्वायर by 4 प्लस b स्क्वायर by 4,
नंबर बोल रहे हैं आप, नंबर पूछिए बेटा आप। थर्ड पॉइंट में बेटा फॉर्मूला लगा दिया, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज रेडियस स्क्वायर। हाँ बताते हैं, ये फार्मूला लगाया, होल स्क्वायर ओपन कैसे करेंगे, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो हमने क्या किया, पहले स्क्वायर वाली टर्म लिख ली, चाहे अलग अलग करके लिख लो, इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग, फिर इसका स्क्वायर, समझ गए बेटे कैसे है? ये समझ में आया थर्ड का सेकंड पॉइंट, ये थर्ड हाँ पता लग गया ना कैसे स्क्वायर वाली टर्म, कोई डाउट? क्लियर है ये कंसेप्ट? इसके बेटे दो मेथड हो रहे हैं, वो दोनों आपको इसलिए पता होना चाहिए कहीं और यूज होते हैं तो, वैसे तो इससे काम चल गया आपका, स्कूल में कैसे कराया जाएगा और वो बताते हैं आपको। ऐसे ही करा देता, वैसे एक डायमीटर फॉर्म है बेटा, एक थ्री पॉइंट फॉर्म है। नहीं सर, डायमीटर मैम नहीं बता, नहीं बता रहे, चलो ठीक है बताएं, हम बताएं कि नहीं है, बता दें ये ठीक है बेटे, ये तो इसलिए टीचर ज़्यादा इसलिए उसमें टीचर प्रेफर करता है कि पहले वाले क्वेश्चन इसी मेथड से किए हैं। बताते हैं बेटा, कर रहे हैं अभी इसको, हाँ करिए करिए। इस रिजल्ट का नाम है डायमीटर। सर्कल में कितने डायमीटर हो सकते हैं? इनफिनिट, सेंटर से पास होने वाली सभी कोर्स, सेंटर से पास होने वाली सभी कोर्स किसी एक डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है आपको, किसी एक डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है तो आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। x माइनस दोनों के x कोऑर्डिनेट, ऐसे याद रखते हैं, x माइनस दोनों के x कोऑर्डिनेट प्लस y माइनस दोनों के y कोऑर्डिनेट, नोट्स में भी लिख दिया हमने। सर ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी डायरेक्ट, y माइनस दोनों के y कोऑर्डिनेट, दोनों मतलब दोनों एंड पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट, x माइनस दोनों के x कोऑर्डिनेट्स, y माइनस दोनों के y कोऑर्डिनेट्स, ये आंसर आ रहा है बस। देखो इसका क्या आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ये सर आ रहा है x माइनस a x माइनस जीरो, x माइनस दोनों के x कोऑर्डिनेट्स, y माइनस दोनों के y कोऑर्डिनेट, देखिए बेटा समझ गए बेटे डायमीटर को, सीधा ही बना दिया, हाँ सीधा ही है बेटे, मेंशन डेट सॉल्व क्यों किया, हमेशा हमें जनरल फॉर्म में आंसर छोड़ना पड़ता है। जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई कॉन्स्टेंट, यही आ रहा है। और देखिए एक है इंटर, क्लियर है ये चीज, एक है इंटरसेप्ट फॉर्म, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, एक है नहीं सर्कल की इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब, अगर सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है और इंटरसेप्ट से भी है, जैसे स्ट्रेट लाइन में आप देखते थे,
तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे तो सर्कल ही नहीं है। तो यहाँ पे बेटा एक्स की टर्म आएगी माइनस एक्स इंटरसेप्ट इंटू एक्स, एक्स इंटरसेप्ट इंटू एक्स,